अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही क्विक एंड इजी और मज़े की रेसिपी, चिकन अंगारा। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। मैंने लिया है 1 kg चिकन और इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। और अभी हम इसका मसाला रेडी करेंगे। मैंने 5 टमाटोज लिए हैं और 1 कटोरी भर के फ्राइड ऑनियंस। आजकल तो सब रेडीमेड मिलते हैं, तो ये ऑनियंस भी मैंने रेडीमेड ही लिए हैं, तो इसमें आप ऐड कर लीजिए। और इसमें ऐड करना है हमें आधी कटोरी, हाफ बाउल तक के दही। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप ये सब चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, टमाटर, ऑनियन और दही की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। और इसमें हल्का सा पानी डालकर इसे अच्छे से पीस लीजिए, फाइन पेस्ट बना लीजिए बिल्कुल इस तरह। और मैं यूज़ कर रही हूँ चिकन अंगारा मसाला लकी का। बस आपके पास अगर ये मसाला होगा तो आपको एक्स्ट्रा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, इसी में सारी चीज़ें रहती है। राई ज़ीरा होता है, कोयला होता है और मसाला होता है, तो बाकी दूसरी चीज़ आपको ज़रूरत ही नहीं है डालने की। और यहाँ पे मैंने भगोने में तेल रखा है, तेल थोड़ा हम ज़्यादा ही लेते हैं ग्रेवी के लिए, क्योंकि मेहमान वगैरह आ रहे हैं तो आप थोड़ा ऐसा बनाइए तो अच्छा भी लगता है। और तेल गर्म होने के बाद हम उसमें पैकेट जो था राई ज़ीरे का वो हम ऐड करेंगे। पहले हम तड़का रेडी करेंगे। और मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़े से चॉप किए हुए लहसुन। लहसुन हमें ऐड करना है। और मैंने यहाँ पे लिया है कोथमीर, हरा धनिया और 2 ग्रीन चिलीज़ चॉप करके डाला है। अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो आप 4 ग्रीन चिलीज़ ऐड कर सकते हो। और इससे देखिए बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। लहसुन का जो कलर है वो बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे चिकन। चिकन को मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, बस वॉश करके हम इसे ऐड कर लेंगे। तड़के के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन। बहुत ही यमी लगती है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। और अगर आपको ये मसाले नहीं मिल रहा है, ये वाला जो लकी का, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो, हो सकता है अमेज़ॉन वगैरह पे मिल जाए, बट ट्रस्ट में बहुत ही मज़ेदार लगती है ये चिकन अंगारा की रेसिपी। मेरे घर में, मेरे रिश्तेदारों में ये बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और बहुत लोगों ने मुझसे इसकी रेसिपी भी पूछी थी, तो मैंने सोचा चलो आज बना ही रहे हैं, संडे है और घर में गेस्ट भी आ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो आपसे भी शेयर करूं बहुत ही झटपट। अगर गेस्ट आ रहे हैं तो ये जो रेसिपी है ये बेस्ट ऑप्शन है, बहुत ही फटाफट और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाती है और ऑथेंटिक भी लगती है, टेस्टी भी लगती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए आप। और हमने हमें तेल में अच्छे से फ्राई करना है चिकन को। जब तक वो पूरा रेड से वाइट कलर ना हो जाए तब तक हमें अच्छे से भूनना है ऑयल में। इसके बाद मैं ऐड करूँगी 1 teaspoon भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे अच्छे से भूनना है चिकन के साथ, ताकि जो अदरक लहसुन का स्मेल है, कच्चापन है, वो दूर हो जाए। तो अच्छे से हमें इसमें भूनना है तेल में चिकन और अदरक लहसुन को। और फिर देखते हैं क्या करना है। पहले हम इसे अच्छे से भूनते हैं। तो हमारा चिकन अच्छे से भून चुका है और हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने फ्राइड ऑनियंस, टमाटो और दही का जो मिक्सचर रेडी किया है, पीस कर पेस्ट बनाया है, हम उसे ऐड करेंगे। देखिए बाजू में रोटी बन रही है साथ साथ
वो भी काम हो रहा है, भाभी मेरे रोटी बना रहे हैं। और मैं यहाँ पे सालन बना रही हूँ बिकॉज़ गेस्ट आने वाले हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। और ये जो लकी का मसाला है पूरा पैकेट मैंने ऐड किया है बिकॉज़ ये 1 kg हमने चिकन लिया था, तो ये 1 kg के हिसाब से मसाला है। और अगर आपको और ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप अपना जो रेड चिल्ली पाउडर है थोड़ा सा और ऐड कर सकते हो, ये ऑप्शनल है, वरना इसी में ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ज़रूरत नहीं है। बट अगर और ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप और 1 tsp रेड चिल्ली पाउडर डाल सकते हो। और इसमें ऐड किया है स्वाद अनुसार नमक, और अच्छे से भूनना है ये मसाले को, पहले अच्छे से भूनना है ताकि जो तेल है वो पूरा ऊपर आ जाए, जो तरी होती है इसकी वो ऊपर आ जाए। तो अच्छे से भूनेंगे, बहुत ही आसान हो जाता है ये मसाले के वजह से, हमको दूसरे मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस एक पाउच डाल दो और बहुत ही मज़ेदार। और कोई टेंशन ही नहीं होता है ना कि टेस्ट कैसा होगा, हमें ये मसाला डालने के बाद पता ही है कि ये टेस्ट अच्छा ही होने वाला है। तो बहुत ही आसान, जो जिसे खाना बनाना नहीं आता है वो ज़रूर ये ट्राई कीजिए। फिर हमने वही मिक्सर जार में, मैंने 1 glass water लिया था, वो उसमें मसाला रह जाता है मिक्सर के जो जार में, उसी में हम 1 glass पानी ऐड कर लेती हूँ और वही पानी में फिर इसमें सालन में डाल देती हूँ। तो आप लोग भी ऐसे ही कीजिए क्योंकि मिक्सर जार में बहुत ज़्यादा मसाला रह जाता है, तो वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो उसमें पानी आप ऐड करके सालन में डाल दीजिए। और देखिए यहाँ पे हमारी रोटी बन रही है, यहाँ पे अब्बा के लिए सब्जी बन रही है, और यहाँ पे हमारा चिकन अंगारा रेडी हो रहा है, और यहाँ पे कोयला चारकोल हमने गरम के लिए रख दिया है। अब लास्ट में जब बंद कर देना है, जब वो अच्छे से गरम हो जाए और हमारा चिकन रेडी है, और ये छोटा सा फॉइल पेपर इसको राउंड कर लीजिए, और इसमें आप गैस फ्लेम बंद कर दीजिए सालन का, फिर आप ये जो फॉइल पेपर है वो रख देना, और इस पे रख देना चारकोल कोयला, और चारकोल और कोयला अच्छे से हीट होना चाहिए, पूरा रेड होना चाहिए, तो ही उसका फ्लेवर आएगा, जो अंगारे का फ्लेवर है ना उसी में है। और 1/2 tsp असली घी डाल दीजिए और इसका लिड लगा दीजिए बस, और 10 minutes रख लीजिए ऐसे ही, और उसमें पूरा धुआं आ जाएगा, अंगारे का टेस्ट आ जाएगा, और इसे बाहर निकाल लीजिए। बस दैट्स इट, इतना ही है, सो क्विक और बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत टेस्टी बनता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, पुणे में महाराष्ट्र में ये मसाला तो मिलता ही मिलता है, आई नो, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। मेरा कोई प्रमोशन पार्ट नहीं है, मैं पहले से ही लकी के मसाले यूज़ करते हैं, वरना आप सोचेंगे कि मैं पहले बहुत लकी के मसाले यूज़ करती हूँ, नहीं, मैं लकी के ही मसाले यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही थी। और बस ये बनाते बनाते बहुत सारे टिफ़िन्स आ गए हमको, ये मेरी छोटी बहन ने मुझे फ़िश बिरयानी भेजी तो हमने राइस बनाना कैंसिल किया, फिर सामने आंटी ने जर्दा और फ़िश फ्राई भेजा, और यहाँ पे बीन्स और आलू की सब्ज़ी अब्बा के लिए बनाई है, और रोटी बनाई है। और एक बात कहना चाह रही थी कि हम बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डाल रहे हैं ब्लॉग्स में, रेसिपीज़ में, बट इतना रिस्पांस नहीं आ रहा है जितना इंस्टाग्राम पर सपोर्ट करते हो, वैसे यूट्यूब पे भी कीजिए। अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।